अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आमिर अज़ीज़ मलिक सलाम अर्ज करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे ख़ानदान का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसको आला सियासी और माशरती हैसियत हासिल हो, दौलत से माला माल हो, जहाँ हर बच्चा मुँह में चांदी का चमचा लेकर पैदा होता हो, जहाँ हर लफ्ज़ बोला जाता हो और ख़ानदान में इतनी इज्जत और शोहरत बुलंदी के बावजूद गुरूर व तकब्बुर तक ना हो। असर हाजिर में ऐसे शख्स को ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है जो सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, गरीबों का ख्याल रखने वाला हो, सबसे बढ़कर अकीदतमंद आशिक रसूल भी हो। ऐसा शख्स जो उम्र की जदीदियत और फजूल कामों से कोसों दूर से गुजरता हो और अपने आबाओ अजदाद की इज्जत में शोहरत में इजाफा करता हो। उसकी मिसाल हैं चौधरी शेर अली खान साहब। हाँ दोस्तों, आज चौधरी शेर अली खान साहब के बारे में मैं कुछ मालूमात आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चौधरी शेर अली खान 24 जुलाई 1961 को रिटायर्ड कर्नल मुमताज अली खान के घर पैदा हुई है। उनके वालिद चकवाल के मेहर मनास के नाम से मशहूर खानदान से ताल्लक रखते थे, जिनका इलाके में लोग बड़े पैमाने पर प्यार मोहब्बत और एहतराम करते थे। चौधरी शेर अली खान जब थोड़े बड़े हुए तो तालीम के लिए लाहौर चले गए, एचसन कॉलेज लाहौर चले गए, जहाँ पे उनके बड़े भाई हैदर अली पहले से ज़ेरे तालीम थे। अपने बड़े भाई हैदर अली की नस्बत चौधरी शेर अली खान के दोस्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। उनके दोस्तों की फहरिस्त यहाँ पे बयान करना तो नामुमकिन होगी, मगर कुछ नाम ऐसे हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें जो दोस्तों एचसन कॉलेज लाहौर में जो उनके दोस्त थे, उनमें कासिम जिया चीफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, सरदार आसिफ अली नकई साबिक वजीर, चौधरी वजाहत हुसैन साबिक MNA, मुरीद हुसैन कुरैशी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के भाई, लतीफ उल्ला खान डेरा इस्माइल खान के नाजिम, और इनके अलावा नाजिम नौशेरा जो जिला नाजिम नौशेरा थे वो शामिल हैं। कैम्ब्रिज की तालीम हासिल करने के बाद उनके वालिद कर्नल मुमताज खान ने उनको मजीद तालीम के लिए सर सैयद कॉलेज रावलपिंडी में दाखिला दिलाया, जहां से उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। चौधरी शेर अली खान आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते थे, मगर उनके बड़े भाई हैदर अली की रोड हादसे में मौत की वजह से उनकी वालदा ने उनको खुद से दूर रहने की इजाज़त ना दी। फिर चौधरी शेर अली खान की ख्वाहिश पे ही उनको क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि चौधरी शेर अली खान के वालिद कर्नल मुमताज़ अली खान के मामू राजा मोहम्मद सरफराज खान एक सरगर्म MNA थे, उनकी वजह से उनका खानदान एक आला सियासी मनसब पे फाइल था, लेकिन राजा साहब की वफात के बाद उनका खानदान अमली सियासत से वाबस्तगी को खो दिया। तहम चौधरी शेर अली खान के वालिद कर्नल मुमताज अली खान के इसरार पे चौधरी शेर अली खान 1987 को सियासत में आए, इस तरह उनका खानदान एक मरतबा फिर अमली सियासत में दाखिल हो गया। चौधरी शेर अली खान 1987 को पहली मरतबा जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़े लेकिन कामयाब ना हो सके, मगर उनकी तबीयत में मौजूद गरीबों की से मोहब्बत बहुत जल्द ही उनको एक कामयाब तारीन रहनुमा बना दिया। अवाम दोस्त रवैये की वजह थी कि 1991 को चौधरी शेर अली खान साहब ने इलेक्शन लड़ा और जिला कौंसिल के मेंबर मुंतखब हो गए। 1994 में चौधरी शेर अली खान की शादी नवाब मलिक सरफराज हुसैन खान नवाब ऑफ पिंडी घेब की पोती और साबिक रुकन सूबाई असम्बली नवाब दादा मेजर आजम खान की हमशीरा से हुई। चौधरी शेर अली खान ने 2013 में मुस्लिम लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा, कामयाब होकर चौधरी शेर अली 2013 से 2018 तक रुकन सूबाई असम्बली और सूबाई वजीर मादनियात भी रहे। चौधरी शेर अली एक इंतहाई शरीफ, मेहरबान और शफकत करने वाले इंसान हैं। चौधरी शेर अली खान एक अमली सियासतदान हैं, वो तालीम के साथ जाती वाबस्तगी रखते हैं। चौधरी शेर अली खान इलाके में तालीम की पसमानदगी को खत्म करने का भी अज़्म रखते हैं। चौधरी शेर अली खान ने एक इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एक ऐसे समाजी मंसूबे पे काम करना चाहते हैं जिसके इलाके के लोगों को तवील अरसे तक फायदा हो। अपने वालिद कर्नल मुमताज अली खान की खिदमत में एक नया बाब रकम करना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अपने मेजबान आमिर अज़ीज़ मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।